महाराष्ट्र का यवतमाल जिला क्योंकि किसानों के लिए आत्महत्या के लिए पूरे भारत में कुप्रसिद्ध है। ऐसे ही दिवंगत किसान की पत्नी वैशाली येडे यवतमाल ने वसीम लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, यवतमाल महाराष्ट्र। टाकली डोलारी मध्यम प्रकल्प, इस प्रकल्प के अंतर्गत 3 गांव का पुनर्वसन प्रस्तावित है। घनापुर और खुबगांव तहसील दरवाहा तथा उदयपुर तहसील निर उदयपुराने में इस संदर्भ की ग्राम सभा में 7 जगहों का प्रस्ताव रखा। इन जगहों का 27/5/2018 को निरीक्षण किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी पुनर्वसन ने 15/6/2018 अजंती रोड पोअल के सामने की जगह मंजूर की थी। वहीं अजय ज्ञानेश्वर भोयर तथा बाकी किसानों ने इस निर्णय पर आक्षेप लेते हुए कहा कि इस पर जगह निश्चित करने में आर्थिक हेरफेर हुआ है और इस प्रस्तावित जगह में पहले से ही दारू का ठेका, पोल्ट्री फार्म और इस जगह को लगकर ही पहाड़ी इलाका है, यहाँ इससे सुरक्षित नहीं है। इसके चलते 10/8/2018 को उप जिलाधिकारी ने इस पर स्थगित के आदेश दिए थे। वहीं अमरावती में 16/8/2018 को संबंधित उप जिलाधिकारी ने इस पर स्थगित के आदेश दिए। वहीं विभाग के उपाध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में यह बात चली। इस योजना पर अभी तक 5.19 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं 167 करोड़ की जरूरत आंकी गई है। इस पूरे पर रकम मंजूर होने के आसार अभी नहीं है। लोग उसी उपहार जाएं जहां दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के सरकारी अधिकारी अपना दबाव बनाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लोग न्याय मांगने जाएं तो कहां जाएं? बात करना चाहूंगा, क्या ये जो पुनर्वसन हो रहा है ये मान्य है क्या नहीं मान्य है? जी, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। सबको अभी आपने देखा कि सब लोगों का बहुत ही कड़ा विरोध है इस बात के लिए और ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर इनको इनके मन के हिसाब से जगह नहीं मिली तो। आम्हाला जे आहे ते 15% हवं होतं, ते या गावकऱ्यांना मिळालं नाही। शासनानं आणि प्रशासनानं खूप अन्याय केलेला आहे आमच्यावर, त्यामुळे हे पुनर्वसन आम्हाला कदापि मान्य नाही, होणार नाही। आणि त्याच्यानंतर येते कोणी असं याच्याकरता जर जबरदस्ती करत असेल तर त्याला आम्ही तिथून उठून लावू आणि आम्ही आक्रमक होऊ। गावाचे उपसरपंच हो, आम्हाला नाही का ही जागा आपली डोलारी काकडी हे प्रकल्प आम्हाला काही हे मान्य नाही आहे। हे जागा नाही का जबर जबरदस्तीने करण्यात आली आहे। याच्यावर सगळ्या निकाल लोक हे आहे, विरोध आहे। याच्यामुळं आमचं काही त्याच्यावर हे नाही आहे। आम्हाला एक एवढं जागा हे समजायच्या हे झाल्या एका जागेचं हे आम्हाला हे लागलेलं नाही आहे। इथं कोणची काही अजून हे आलेलं नाही, कोणची काही इथं सभा झालेली नाही आहे। अधिकारी कोणची आलेली नाही आहे, इथं कोणची सभा घेतलेली नाही आहे, काहीच नाही आहे। त्याच्यामुळं हे चालू हे चालू आंदोलन चालू आहे। कोण्या इथं आम्ही आता हे आंदोलन समोर अजून चालूच करणार आहोत, पुढे बी आंदोलन चालू करणारच राहणार आहे। म्हणजे हे जागा काही आमची मंजूरच नाही आहे, बोर्डाला लागून आहे जागा। तिथं नाही लेकराची शिक्षणाची सोय नाही, तिथं काही तिथं आहे दारूचं दुकान, तिथं आहे ते पोल्ट्री फार्म, तिथं कसं करायचं आम्हाला तिथं मान्यच नाही आहे राहायचं। काही उदयपूरची रहिवासी आहे और यहाँ पे कुछ दिन पहले ही इन लोगों को पता चला है कि इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, इनके गांव के बदले में जो गांव इनको दिया जा रहा है या जगह इनको दी जा रही है, एक्चुअली वो जगह इनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। और ये उनको पता चलने के बाद इन लोगों ने इसके विरोध बहुत ही कदम उठाए हैं, आंदोलन किए हैं और बहुत सारे अधिकारियों से बात की है, लेकिन उनके ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इन महिलाओं का ये कहना है कि हमको जब तक हमारी जो मनपसंद जगह है वो नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग हमारे गांव का पुनर्वसन नहीं होने देंगे। और ऐसे कौन सी किताब में लिखा है कि वो लोग जिनका पुनर्वसन करना है उनकी उसको मान्यता नहीं है और आप लोग वो जगह की ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ये कहाँ का कानून है? बस मेरा यही कहना है कि इनको इनके हिसाब से जगह दी जाए और इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न। इन्होंने 2-3 बार उपोषण आंदोलन भी किए छेड़े हैं, मगर इनको उस बात की कोई पूर्वता ना शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से आई है। इसलिए मैं इंडिया वन न्यूज चैनल के साथ कैमरामैन शंकर के साथ मैं राजन, नमस्ते। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजन भूरे की रिपोर्ट, महाराष्ट्र।